चलिए तो बच्चा लोग, अब हम लोग आज संडे स्पेशल में बायोमोलिक्यूल्स देखते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में लास्ट पार्ट में हमने बात किया था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, आज उसके आगे का बात देखते हैं। आज हमारा बात शुरू होगा कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखो पहले से लिखा हुआ है, आप सिर्फ सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लोगे फिर लिखोगे। कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट एक और नाम है हाइड्रेटेड कार्बन, देख रहे हो, हाइड्रेटेड कार्बन। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसका जो जनरल फॉर्मूला है, ये देखो, ये जो उसका जनरल फॉर्मूला है उसको देखो क्या है, CH2O होल एन, मतलब कार्बन के साथ वाटर जुड़ा हुआ है और उसका होल एन कर दोगे तो क्या बनेगा, CnH2nO2। इसी को देखो यहाँ से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिर्फ तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। मेनली दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज सिंपल एंड द सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, एनसीईआरटी से इसके बारे में बात किया, बट हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे, मतलब दोनों के बारे में देखेंगे। सिंपल को दोबारा से बांटे हैं मोनोसेकेराइड, डिराइव्ड मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। देखो मोनोसैकेराइड क्या है, सबसे पहले मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन का नंबर सिर्फ 3 to 7 हो, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन का नंबर सिर्फ 3 to 7 हो और इससे छोटा पार्ट होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 to 7, तो तीन वाले का नाम देखते हैं, तीन कार्बन का अगर कोई होगा उसको बोलेंगे ट्राइओज, और उसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। देखो G3P हम लोग पढ़े थे, ग्लिसरल डिहाइड, लास्ट क्लास फोटोसिंथेसिस में ही पढ़े थे, और DHAP ये नाम हम लोग को मिला था रिस्पायरेशन में, G3P या DHAP। तो G3P इज ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड DHAP इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था इन सब बारे में। चार कार्बन वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको टेट्रोज बोलते हैं, ये याद रखिएगा बहुत है। पांच कार्बन वाले को पेंटोज बोलते हैं, याद रखिएगा। राइबोज जो है, राइबोज सुगर, राइबुलोज बिस्फॉस्फेट में भी जो राइबोज था, वो सब जो राइबोज है ना वो पांच कार्बन का होता है, याद करो। पढ़े थे RuBP के बारे में भी हम लोग कल पढ़ रहे थे, ये जो RuBP था ये भी 5 कार्बन कंपाउंड था ना, 5 कार्बन कंपाउंड, तो याद रखना है। RuBP मतलब रिबुलोज इज ऑल्सो 5 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट इज 6 कार्बन। 6 कार्बन में हेक्सोज, देखो हेक्सोज दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं अल्डोजेज और एक को बोलते हैं कीटोजेज, अल्डोज और कीटोज। अगर सुगर का 6 कार्बन सुगर में मेनली देखने को मिलता है, अगर उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड है, ये है, तो इसको बोलते हैं अल्डोज, और अगर उसका फंक्शनल ग्रुप ये है सिर्फ, इसको बोलते हैं कीटोज, है ना, कीटोन ऐसा। तो ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं, कीटोन ग्रुप क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है। तो याद रखिएगा वैसा शुगर जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अल्डोजेस, और उसका एग्जांपल ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ठीक है। याद रखिएगा मैनोज इज अ मोनोसैकेराइड, है ना, ये दो तीन से मिलकर नहीं बना, सिर्फ इकलौता है, एक ही ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का है। एंड याद रखिएगा फ्रुक्टोज इज अ कीटोज, फ्रुक्टोज इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, ठीक है, याद रखना ये सब। अगर तुम डायग्राम देखना चाहो ग्लूकोज का तो दिखाते हैं, देखो ये, देखो ये जो तुम देख रहे हो ये ग्लूकोज है, C6H12O6। ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है। इस डायग्राम में खास बात यह है, ये डायग्राम में खास बात यह है कि देखो ऐसा ओ ये वाला है, 6 कार्बन, पहला कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, ओ ऐसा मतलब 6 कार्बन ही ना है, तो पहला कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा, यार ये हैंग करता तो बहुत बन जाता है, चलो वापस यहीं ड्रॉप करता हूँ। ये देखो ऐसा एक ऑक्सीजन मिल गया, ये भी इस पॉइंट पे है पहला कार्बन, यहाँ है दूसरा कार्बन, यहाँ है तीसरा कार्बन, यहाँ है चौथा कार्बन और यहाँ है पांचवा कार्बन। देखो
रहे हो? ऐसा ही, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। टेंशन वाला बात सिर्फ यहां पे इतना है कि इसमें पांच ही कार्बन दिख रहा है। देखो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। छठा कार्बन इसके ऊपर में अटैच होता है CH2OH के फॉर्म में, देखो। ठीक है, मतलब यहाँ पे पांचवा कार्बन है और यहाँ पे छठा कार्बन है, याद रखिए। ठीक है, एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि तीसरा कार्बन पे जो OH ग्रुप है ये उल्टा है, बाकी सब में देखो नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे भी, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा यही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि एक मिनट, यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं, यहाँ भी नीचे OH ही है, कुछ नहीं, कैसे? CH2OH तो है, बट एक सेकेंड, नहीं, यहाँ कुछ नहीं, नहीं, हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्या है? हाइड्रोजन, याद रखना। मतलब कहना ये है कि तीसरा कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तीसरा कार्बन का, वो कैसा होता है? ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ग्लूकोज में, याद रखिएगा। राइबोज पांच कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, याद रखना है, बस याद रखना, राइबोज का फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, देखो ग्लूकोज दो फॉर्म में मिलता है, एक इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड चेन या सर्कुलर फॉर्म, और एक होता है ओपन चेन। ओपन चेन में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ कर लीजिएगा। एल्डिहाइड ग्रुप दिख गया, एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, OH इधर, OH इधर, इसमें OH इधर, OH इधर, OH इधर, समझ गए? तीसरा में OH, एक सेकंड, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हुआ है कि ये जो हम लोग तीसरा कार्बन का बात कर रहे हैं वो फंक्शनल ग्रुप साइड से काउंट करते हैं, यहां से नहीं। ये लिखा कार्बन, हाँ एक इधर से, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन, इसमें उल्टा हो, इंपॉर्टेंट बात था, याद रखिए। और बाकी सब साइड में एच जोड़ दो, एच हर तरफ, एच हर तरफ, एच, ठीक है, हर तरफ एच। अभी देखो तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से थोड़ा देखिए, देखो यहां से नंबरिंग शुरू करो, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर नॉमेनक्लेचर याद होगा 10th का तो आप पढ़े होंगे, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले साइड से काउंट होता है, इसलिए इधर से किए। तो देखो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा कार्बन का OH जो है वो उल्टा है ना, बाकी सबका इस तरफ है, तीसरे वाले का OH इस तरफ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, और इस रिंग को बोलते हैं पाइरानोज रिंग, क्या बोलते हैं? पाइरानोज रिंग, और इसको बीटा टाइप भी बोल सकती हो, बीटा टाइप। ये किस बेसिस पे होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बीटा टाइप होता है, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, बीटा टाइप होता है। और अगर पहले कार्बन पे जो OH है वो अपवर्ड हो तो बोलते हैं बीटा टाइप, ये वाला बीटा टाइप नहीं, इसमें तो पहला कार्बन का OH नीचे है ना, इधर है OH, देखो नीचे है, तो ये है अल्फा टाइप, ये कौन सा टाइप है? अल्फा टाइप। अगर पहला कार्बन का OH अपवर्ड होता तब इसको बोलते बीटा टाइप। ये एक्स्ट्रा है, सबको भूल ही जाओगे, फालतू का बात, इसलिए बता दिए कि कहीं धोखा दे दिए केमिस्ट्री वाले पार्ट लोग, तो दिक्कत ना हो। इसका नाम होता है पाइरानोज रिंग, अगर पहले कार्बन का OH नीचे रहा तो बोलेंगे अल्फा टाइप, अगर पहले कार्बन का OH ऊपर रहा तो बोलेंगे बीटा टाइप। तुम लोग लिख लेना, बोल तो दिए, लिख लेना मैंने तो, पाइरानोज रिंग। फालतू का बात नहीं करते हम, टाइम पास नहीं करते हैं अपनी तरफ से, बट आप याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा तो बायोलॉजी से तो कभी नहीं पूछना है, केमिस्ट्री साइड से पूछ दिया तो पूछ दिया। ठीक है, चलिए अभी ग्लूकोज का बात कर रहे हैं।
ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, और इसके पीछे का कारण ही है कि जो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स में मिलता है वो नॉर्मली फ्रुक्टोज होता है। फ्रूट में जो भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो भी शुगर मिलता है, उसको वो फ्रुक्टोज होता है। ग्रेप एकमात्र ऐसा शुगर है, सॉरी, ग्रेप एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसमें जो शुगर मिलता है वो ग्लूकोज है। नॉर्मली फ्रूट में जो शुगर मिलता है वो कौन सा होता है? फ्रुक्टोज। ग्रेप एकमात्र ऐसा शुगर है, ग्रेप एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसमें जो शुगर मिलता है वो है ग्लूकोज, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे ब्लड में भी यही काम आता है, इसको ब्लड शुगर ही बोलते हैं, और ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, बोलते हैं ना शुगर बढ़ गया, है ना। अगर कई बार घर में लोग जो डायबिटिक होते हैं वो शुगर टेस्ट कराते हैं और बोलते हैं शुगर बढ़ गया या शुगर डाउन हो गया, तो शुगर अगर बढ़ गया तो बायोलॉजिकली उसका नाम होता है हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब होता है बढ़ जाना, और अगर ब्लड में शुगर कम हो गया तो उसको जो बायोलॉजिकली नाम देते हैं उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, अगर शुगर यूरिन में मिल गया, पहले भी पढ़ चुके एक्सप्रेशन में, यूरिन में शुगर नहीं मिलना चाहिए, अगर मिल गया, इफ इफ अकर्स इन यूरिन, तब इसको जो बीमारी है उसको बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया, पढ़ चुके हैं। और दिस इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मलिटस। दो तरह का डायबिटीज होता है, डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें बार बार यूरिनेशन का अर्ज होता है, एक्सेस यूरिनेशन, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी का। दूसरा डायबिटीज इज डायबिटीज मिलिटस, शुगर जो है वो यूरिन के साथ बाहर आएगा, देन कहेंगे उसको डायबिटीज मिलिटस, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर। फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर। माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। स्पर्म का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? वो फ्रुक्टोज होता है। याद रखो, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब का सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। वापस लिख रहा हूं, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज। लेकिन स्पर्म हमारे बॉडी का मात्र ऐसा सेल है जहां सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फ्रुक्टोज। एंड माइंड इट, स्पर्म तो सिर्फ मेल में मिलता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मेल में ही स्पर्म के लिए ही फ्रुक्टोज एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में काम करता है। एंड माइंड इट, रेप विक्टिम्स में, एक बार एम्स में पूछा हुआ था, रेप विक्टिम्स में फीमेल के वेजाइना से यही फ्रुक्टोज चेक करते हैं। बोलते ना मेडिकल कराया गया फीमेल का, जो भी रेप विक्टिम है, मेडिकल में एक्चुअली करते क्या है कि जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो फीमेल के वेजाइना को चेक करते कि क्या वहां फ्रुक्टोज है कि नहीं। अगर फ्रुक्टोज मिल गया मतलब तय है कि वो मेल के स्पर्म के साथ ही आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, फ्रूट शुगर, बट माइंडेड दिस इज नॉट फाउंड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में क्या मिलता है? तो ग्लूकोज मिलता है, एंड इसीलिए ग्रेप ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। और ये जो फ्रुक्टोज है ना, ये भी फाइनली हमारे बॉडी में, जैसे मान लो हम फ्रूट खाए तो हमारे में फ्रुक्टोज आया, ये फ्रुक्टोज भी हमारे लीवर में जाने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। नेक्स्ट कम्स द गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन, इसलिए इसको ब्रेन शुगर बोलते हैं। और चूंकि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के लिए सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, गलती से भी वहां पे तो कमी नहीं होना चाहिए ग्लूकोज का या एनर्जी का, इसीलिए गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन सबसे फास्ट होता है, फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो, ये वो पार्ट था जो हम पहले से लिख के रखे थे ताकि हमारा टाइम बचता, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ, हम लोग और भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिराइव्ड मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, फिर ऑलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट कम्स द डिराइव्ड मोनोसैकेराइड। डिराइव्ड मोनोसैकेराइड, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड ये है क्या? तो देखो, कई बार मोनोसैकेराइड में कुछ चेंज करके एक नया मोनोसैकेराइड, जैसे मान लो CH4 था, CH4 को आप इसका हर एक हाइड्रोजन को रिमूव करते चले गए और उसके जगह पे क्लोरीन ऐड करते चले गए, तो बना क्या? CH4 से अगर आप उसको Cl2 से रिएक्ट कराओगे हीट के साथ, HMU मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा CCl3, सॉरी CCl4, है ना।
क्लोरोमीथेन। और ये जो CCl4 है इसको आप बोल सकते हो डिराइव्ड मीथेन। CCl4 क्या है? डिराइव्ड मीथेन, क्योंकि इसको मीथेन से आप डिराइव किए हो। उसी तरह होता है डिराइव्ड मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड से हम डिराइव करते हैं इनको। आपको बस इसका एग्जांपल कुछ कुछ याद रखना है। ठीक है, आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स याद करना है, जैसे क्या क्या तो लिखो। फर्स्ट इज डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज का शायद हमारे पास कोई इमेज हो, होगा तो ही देखेंगे, नहीं तो फालतू में टाइम नहीं पास करेंगे। एडिनिन, बिल्कुल, चलो मिल गया। देखो ये है हमारा, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इन सबको हटा देते हैं, फालतू में गंदा है। देखो अगर आप देख पा रहे हो राइबोज को, राइबोज के पहले कार्बन का, दूसरे कार्बन का और तीसरे कार्बन का, तीनों पे देखो। ये है पहला ऑक्सीजन मतलब OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप और तीसरा OH ग्रुप, यही राइबोज यहां भी है अगर देख पा रहे हो तो। देख रहे हो अंतर क्या है इस वाले कार्बन का, बाकी सब सेम है ना, सिर्फ इस वाले कार्बन का अंतर है यूं कि ये जो राइबोज था उसमें से ये वाला आपको हटाए, तो हटाए इसने बोले डी ऑक्सी। देखते हो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी क्यों जोड़ते हैं, राइबो तो ठीक है राइबुलोज था इसलिए राइबो बोले, डी ऑक्सी से जोड़ते हैं क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हटाते हैं। देखो ये ग्रुप हटाए हैं है ना, ये ग्रुप को हटाए हैं इसीलिए इसको बोलते हैं डी ऑक्सी। और उसके जगह पे कुछ कुछ ऐड किए, देखो कुछ और ऐड किए मतलब वो OH ग्रुप नहीं, कुछ और ऐड किए, ये तो कुछ दूसरा ही है, यूरासिल तो दूसरा चीज ही है, ये डीएनए का पार्ट नहीं होता है। ठीक है तो समझे, तो इसलिए बोले डिराइव्ड, क्योंकि ये जो डीएनए का था, ये जो भी मॉलिक्यूल से देखो ना आप जो यही देख पा रहे हो, ये डिराइव्ड मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड था राइबोलोज, उसको डिराइव किया, फाइव कार्बन मोनोसैकेराइड था अगर याद आ रहा था, देखो यहाँ पे फाइव कार्बन पेंटोज एग्जांपल था राइबोलोज है ना, नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अब देख पा रहे हो, तो वही है ये जो फाइव कार्बन राइबोलोज था उसको उसमें कुछ चेंज किए और चेंज करने के बाद ये मॉलिक्यूल बनाए, डिराइव किए उसी से बनाए, इसीलिए उसको बोलते हैं डिराइव मोनोसैकेराइड। सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल याद करना, एक तो डीऑक्सीराइबोज लिख सकते हो, दूसरा लिखो अमीनो सुगर, तीसरा लिखो अमीनो एसिड। तो पहला लिखे डीऑक्सीराइबोज, दूसरा लिखो अमीनो सुगर, अमीनो सुगर, उसके अलावा तुम लिख सकते हो सुगर एसिड है ना, उसके अलावा तुम लिख सकते हो एक और एग्जांपल सुगर अल्कोहल। सुगर अल्कोहल का एक एग्जांपल याद रखना, जैसे सुगर एसिड में देखो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो सुगर एसिड है, पता है एस्कॉर्बिक एसिड है क्या, ये विटामिन सी का दूसरा साइंटिफिक नेम है, विटामिन सी का एक और नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये सुगर एसिड का एग्जाम्पल
एक ऐसा शुगर जो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। शुगर अल्कोहल का एक एग्जांपल याद रख लो, यहां लिख रहे हैं मैनिटॉल, MANINIOL, मैनिटॉल ये एक अल्कोहल है जो कि ब्राउन एल्गी में मिलेगा। ब्राउन एल्गी तुरंत पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, जो संडे स्पेशल में पढ़ेंगे वो होगा प्लांट किंगडम और वहां पे मिलेगा। ठीक है, मैनिटॉल याद रखना है। अच्छा, तो दो चीज मिल गया, शुगर एसिड, शुगर अल्कोहल का स्पेशल भी देख लिया, अमीनो शुगर का कोई काम नहीं है, ऐसे ग्लूकोसामिन कभी शायद नाम आ जाए, आएगा ही, ग्लूकोसामिन, ग्लूकोसामिन, ये जो ग्लूकोसामिन है ये अमीनो शुगर है। ठीक है, ग्लूकोसामिन इज एन अमीनो शुगर। तो डिराइव मोनोसैकेराइड में हम लोग तीन चार डिराइव मोनोसैकेराइड में हम लोग तीन चार नाम देखे। एक है डिऑक्सीराइबोज, जिसका एग्जांपल हम लोग देख लिए कि पूरा पूरा डीएनए जो बनता है वो डिऑक्सीराइबोज से बनता है। फिर अमीनो शुगर सुने, फिर शुगर एसिड, शुगर एसिड का एग्जांपल भी देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का दूसरा नाम था, साइंटिफिक नेम, दवा हुआ अगर आप देखो ना विटामिन सी का तो उस पर एस्कॉर्बिक एसिड लिखा होगा, ये उसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम है। उसके अलावा एक पढ़े शुगर एल्कोहल जो कि मैनिटॉल, उसका एग्जाम्पल पढ़े और पढ़े कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउन एल्गी में मिलता है, ये वापस से आएगा प्लांट किंगडम में, ये नाम तैयार हुई है। नेक्स्ट इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो सैकेराइड हल्का फुल्का करेगा तो ठंडा वैसा नहीं हो सकता। ओलिगोसैकेराइड क्या है? तो इसमें फ्यू मोनोसैकेराइड्स गेट लिंक्ड, फ्यू मोनोसैकेराइड गेट्स लिंक्ड ठीक है, फ्यू मोनोसैकेराइड गेट्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड याद रखना, बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड स्पेशली जब भी तो शुगर जुड़ेगा ना तो देखने को मिलेगा। एंड माइंड इट, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस बॉन्ड। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा ना तो वाटर इज रिलीज, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अभी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसमें नॉर्मली कितना जो फ्यू मोनोसैकेराइड हम लोग बोल रहे हैं, फ्यू एक्चुअली में कितना, तो फ्यू का मतलब होता है 2 to 9, 2 to 9 मोनोसैकेराइड जो हैं वो आपस में लिंक करते हैं और बनाते हैं क्या, तो ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, और लिंक किससे होते हैं भाई, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला एग्जाम्पल इज माल्टोज, पहले भी पढ़ चुके हैं डाइजेशन में, माल्टोज किससे किससे मिलके बनता है, तो दो ग्लूकोज के मिलने से बनता है। हम लोग डाइजेशन में पढ़े थे, जब फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो देखे थे कि डाइजेशन में जब माल्टोज ब्रेक किया था, फाइनली डाइजेस्ट हुआ था, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में टूटा था। इसका मतलब ये कि माल्टोज दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना है। सेकेंड इज सुक्रोज, जो सुक्रोज है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बना है। और तीसरा इज लैक्टोज, ये सब हम लोग डाइसैकेराइड पढ़ रहे हैं ना, डाइसैकेराइड, ड्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ये सब नाम होगा ओलिगोसैकेराइड का। अगर दो मान लो दो मोनोसैकेराइड मिलके बना है तो ओलिगोसैकेराइड, तो उस ओलिगोसैकेराइड को स्पेशल नाम देंगे डाइसैकेराइड, जैसे ये सब डाइसैकेराइड है। अगर तीन मिलकर बना है तो बोलेंगे ट्राइसैकेराइड, चार मोनोसैकेराइड मिलकर बना है ओलिगोसैकेराइड तो बोलेंगे टेट्रासैकेराइड। ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज।
इन सब का कुछ स्पेशल नाम भी है, याद रखिएगा। माल्टोज को बोलते हैं माल्ट सुगर, क्या बोलते हैं? माल्ट सुगर। सुग्रोज को बोलते हैं केन सुगर, केन सुगर। और लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क सुगर, क्या बोलते हैं? मिल्क सुगर। अच्छा, अगर ट्राइसैकेराइड का भी एग्जांपल याद रखना तो याद रखना रेफिनोज, ये एक ट्राइसैकेराइड है। रेफिनोज जो है वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज तीनों के मिलने से बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? रेफिनोज। तीनों के मिलने से क्या बनता है? रेफिनोज। ये क्या है? ट्राइसैकेराइड। और जो ये तीनों था वो क्या था? ये तीनों था डाइसैकेराइड। ठीक है, अभी एक डाइसैकेराइड का डायग्राम देखते हैं जिससे ज्यादा समझ में आ जाएगा डाइसैकेराइड कैसे होता है, क्या होता है। ये देखो, ये आया ऑक्सीजन, ऐसा ऐसा ग्लूकोज बना रहा हूं, यहाँ पे H, नीचे में OH, अल्फा फॉर्म है, समझ में आ गया। पहला कार्बन पे OH जो है वो नीचे है, इसलिए बोले अल्फा फॉर्म। और फिर इधर H OH, तीसरे पे तो उल्टा होना है, सब लोग जान रहे हो, अभी बताए थे। इधर H, इधर OH, यहाँ पे भी सेम H OH, पांचवे वाले पे एक और गेम, नीचे H और ऊपर CH2OH। ये क्या बना है? ग्लूकोज। क्या बना है? ग्लूकोज। एक्चुअली में हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं वो माल्टोज का बनाएंगे। माल्टोज का अगर बनाएंगे तो दोनों ग्लूकोज होगा, तो एक ग्लूकोज इधर और एक और ग्लूकोज इधर बनाते हैं। इधर एच ओ एच, एच ओ एच, OH, H, H, OH, और यहाँ पे H ऊपर में CH2OH। ठीक है, देखो किए क्या, सबसे पहले देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। यहाँ का OH, रुको ये कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है, लेट मी यूज रेड अभी। ठीक है, यहाँ का OH और यहाँ का H, जब ये दोनों जुड़ेगा तो ये निकल जाएगा माइनस एच टू। एच टू क्या होता है? निकल जाता है। अच्छा, अगर एच टू निकल गया तो देखो क्या होगा। एच टू अगर निकल गया तो ये जो ऑक्सीजन था ना, ये ऑक्सीजन ये धीरे धीरे यहां आ जाएगा ऐसा, और यहां से जुड़ जाएगा, समझे? ये बाद में होगा, ये ऑक्सीजन जो था वो यहां बाद में आएगा, लेटर ऑन, LATER, जब ये वॉटर निकल जाएगा तब, समझे? जब ये वॉटर निकल जाएगा तब ऐसा होगा। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसका है? माल्टोज का। दो ग्लूकोज मिलकर बना है। और देखो ये जो बॉन्ड तुमको दिख रहा है डॉटेड लाइन, ये जो तुमको बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड यही है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए फटाफट से ड्रॉ कीजिए। तो इतना